दक्षिण अफ्रीका में इस सप्ताह सामने आए कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के चलते दुनिया भर के कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को नए गाइडलाइंस जारी की है। इनमें राज्य में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से राज्य में आने वाले सभी यात्री भारत सरकार के निर्देशों द्वारा शासित होंगे। घरेलू यात्रियों को या तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन होना चाहिए या फिर 72 घंटे के लिए वैध RT-PCR रिपोर्ट साथ रखनी होगी। इसके अलावा ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार यदि टैक्सी या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, फोर व्हीलर या किसी बस के अंदर डिफॉल्ट जुर्माना लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है। इसमें ड्राइवर, हेल्पर, कंडक्टर पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों के मामले में मालिक परिवहन एजेंसी पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।